हम फ्रूट एंड सीड डिस्पर्सल स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या इसकी स्ट्रेटजीज हैं, किस प्रकार से सीड का डिस्पर्सल होता है, ये चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। जो एंजियोस्पर्म में प्लांट्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है, उसके पश्चात ओवरी से फ्रूट और ओवल से सीड का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप जानते हैं, फ्लोरिंग प्लांट्स में अनेक फल और बीज उत्पन्न होते हैं, और पेरिनियल प्लांट्स में जो सीड्स होते हैं प्रत्येक वर्ष एक विशेष टाइम पीरियड में पैदा होते हैं। यदि फल और बीज नीचे गिर जाएं तो जर्मिनेट होकर सीडलिंग्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे भूमि में आवश्यक पदार्थों की कमी हो जाती है। ऐसी दशा में उन नए प्लांट्स को स्थान और प्रकाश की कमी अनुभव होती है। परिस्थितियों के फलस्वरूप सीडलिंग वेल डेवलप प्लांट में परिवर्तित नहीं हो पाता और कुछ समय पश्चात वो प्लांट विलुप्त हो जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में प्रकीर्णन अगर हो जाता है तो फल व बीज में विभिन्न प्रकार के रूपांतरण से सीड्स जो हैं वो किसी अन्य स्थान पर या तो किसी एजेंट के थ्रू या प्लांट के खुद के मैकेनिज्म के थ्रू वो क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, और डिस्पर्स होने से उनका फल भित्ति टूटने से, डिस्पर्शन होने से उनका अच्छी तरह से नए स्पेस पर जर्मिनेशन हो जाता है। तो ये चीज़ें हम इसके अंदर हैं। अब सीड का डिस्पर्सल किस किस एजेंट के थ्रू हो सकता है, इस आधार पर ही हम सीड डिस्पर्सल को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। डिस्पर्सल बाय विंड, डिस्पर्सल बाय वाटर, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्पर्सल बाय विंड, हवा के द्वारा, वायु के द्वारा। प्लांट्स में जब सीड्स का प्रकीर्णन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को ही हम डिस्पर्सल कहते हैं, तो हवा के द्वारा होता है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको एनिमोकोरी बोलते हैं। इन प्लांट्स के बीज या तो हल्के होते हैं या उनमें किसी विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट हो जाता है, जिससे वो हवा से उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। जो कॉन्ट्रेवेंसेज जो हैं, ऐसे सीड्स और फ्रूट्स में क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे सीड्स या तो बहुत छोटे होते हैं और हल्के होते हैं। कुछ फ्रूट्स, प्लांट के फ्रूट्स और सीड्स बहुत ही छोटे होते हैं, जिसे वायु का जब हल्का सा भी झोंका आएगा तो वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे ऑर्किड्स के बीज की हम बात करते हैं, ऑर्किड्स के जो बीज होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हवा के द्वारा आराम से डिस्पर्स हो जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऑर्किड के सीड्स जो होते हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं, और जिनका डिस्पर्जन हवा के द्वारा हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे सिनकोना है, मोरिंगा है, टर्मिनेरिया है, इनके सीड्स जो हैं वो सिंपली छोटे होने के कारण से क्या हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली हवा के द्वारा ही चले जाते हैं। और फिर अब हम बात करते हैं दूसरे, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं या फ्रूट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर विंग्स होते हैं, यानी पंख लगे रहते हैं। तो पंख होगा तो हवा के द्वारा उनका डिस्पर्सल इजीली हो जाएगा। कुछ सीड प्लांट्स में फ्रूट और सीड्स के पर जो फीदर लाइक स्ट्रक्चर्स का यानी अपेंडेजेस पाई जाती हैं, और ये फीदर लाइक अपेंडेजेस जो होते हैं पेरिकार्प की ही आउटग्रोथ्स होते हैं, जैसे मेपल के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। इसी प्रकार से एसर के अंदर पाई जाती है, जैसा कि एग्जाम्पल आप ये देख रहे हो, इस तरह की स्ट्रक्चर्स इसके साथ डेवलप होगी। एसर जो है वो हमने इसमें डायग्राम में दिखाया हुआ है। फिर हेप्टेज के अंदर है, डायस्कोरिया के अंदर है, होपिया, टर्मिनल एरिया, बिग्नोनिया, सिनकोना, टिकोमा, इनके अंदर ये चीज़ें, सोरिया, रेबुस्टा जो होता है, साल जिसको बोलते हैं, जेनोनेनिया, इनके अंदर ये विंग्ड स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। तो विंग स्ट्रक्चर्स के हम यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ए में बहुत ही माइन्यूट और लाइट सीड्स दिखाए हुए हैं, बी से एच तक क्या दिखा रखा है, विंग्ड फ्रूट्स विंग दिखा रखे हैं,
सी में भी है, फिर ये विंग्स हैं। अब इसके अंदर बी है, बी जैसे मोरिंगा के ऐसे ही होते हैं, पंख से पतले, बिल्कुल पतले पतले होते हैं, और योक्सिलम के इस तरह से होते हैं। इसी प्रकार से स्विटेनिया के होते हैं, और फिर उसके बाद डिप्टेरोकार्पस के होते हैं, और फिर उसके बाद सोरिया रोबस्टा के, और पेरिकार्प एक्सपांड इनटू विंग्स ऑफ फिप्टेस एंड एसर। ये देखो, इसमें इस तरह की स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट हो जाता है। अब इसके अलावा जो होते हैं, जैसे पैरासूट मैकेनिज्म। पैरासूट मैकेनिज्म में क्या होता है, कुछ फ्रूट्स और सीड्स में अपेंडेजेस पाई जाती हैं जो पैरासीट की तरह से काम करती हैं, और ये इन अपेंडेजेस में हवा इकट्ठी होगी तो हल्के हो जाएंगे, और जिसके कारण से अधिक समय तक वो हवा में रहकर दूर दूर तक वितरित हो जाते हैं और बायोएनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जिसमें इनके मॉडिफिकेशंस में क्या क्या चीज़ें देखने को हमें मिलती है, अपेंडेजेस कौन कौन सी पाई जाती हैं पैरासूट में, पेपस है। पेपस का एग्जाम्पल अब आप देख रहे हो डायग्राम में, पेपस लुक लाइक पैरासूट, पैरासूट जैसे दिखाई दे रहे हैं, सारे डायग्राम ही पैरासूट जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो टायरक्सिम का इसने एग्जाम्पल लिया है। तो परसिस्टेंट होते हैं ये पेपस, और जनरली क्या होते हैं, रोमिल हेयरी होते हैं, और जो कैलिक्स जो होता है उसके द्वारा ये बनते हैं। एस्टेरेसी और कंपोजिटी कुल के सदस्य में पाए जाते हैं, जैसे सूरजमुखी, टारक्सकम, यहाँ पर टारक्सकम का इसने दिखा रखा है। इसी तरह से पेपर्स ऑफ ट्राइडेक्स दिखा रखे हैं, और ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस जिसको बोलते हैं। फिर ये इसमें आप देख ही रहे हो, एजरेटम के अंदर ये चीज़ पाया जाता है, सोंकस जंगली गोभी इनमें पाया जाता है। इन प्लांट्स के फलों पर छतरी जैसा दिख रहा है आपको पेपस पाया जाता है, और पेरेंट प्लांट से जैसे ही फल के अलग होता है तो पेपस पैरासूट की तरह से खुल जाता है और हवा में तैरता हुआ दूर तक चला जाता है। इसी प्रकार से एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कोमा, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर और डेवलप होती है पैरासूट मैकेनिज्म के अंदर, यह बीजों पर लगे, ये सीड्स के ऊपर पाए जाते हैं ये कोमा। ये देखो सीड, जैसे कैलोट्रोपिस का आप सीड देखते ही हो, इसी तरह का सीड होता है, उसके ऊपर हेयर्स होते हैं जो उड़ उड़ कर दूर तक चले जाते हैं। ये लगे रोम्स होते हैं, एक भी हो सकता है और गुच्छों में भी होता है। एलेस्टोनिया में दो होते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर्स। कैलोट्रोपिस के अंदर जैसे डबल आप ये देख ही रहे हो, एलेस्टोनिया के अंदर एक दो दो कोमा है, और डबल कोमा ऑफ एलेस्टोनिया। इसी तरह से कैलोट्रोपिस के ऊपर एक बीज के ऊपर गुच्छा पाया जा रहा है। ये कोमा भी पैरासूट की तरह ही काम करता है और हवा में तैरने के लिए बीज को मदद करता है और प्रकीर्णन में सहायक होता है। इसी तरह से आप कैलोट्रोपिस का आपने देख लिया, ये एग्जांपल आप देख रहे हो। नाउ फिर है हेरी आउटग्रोथ्स ऑन सीड्स, सीड्स के ऊपर हेरी आउटग्रोथ्स। कपास का आप देखते हो, कपास के सीड्स तो कॉटन्स, और सीड के ऊपर जो कवर पर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं बीज के चारों ओर उपस्थित होते हैं, और ये एग्जाम्पल आप इसके अंदर देख सकते हो, पोलीगाला के अंदर मिलता है, विलो प्लांट के अंदर मिलता है। इसी तरह से इसके अंदर आपके बॉम्बेक्स के अंदर मिलता है हेरी आउटग्रोथ्स, विलो के अंदर, पॉपुलस के अंदर, इनमें मिल जाता है। फिर है परसिस्टेंट हेयर स्टाइल, हेयरी स्टाइल हो, परसिस्टेंट हेयरी स्टाइल्स भी प्लांट के अंदर पाई जाती है। जैसे यहाँ पर आप हेयरी स्टाइल है, ये देखो परसिस्टेंट हेयरी स्टाइल, ये स्टाइल इसमें दिखाई हुई है, एकिनिस का फ्रूट है। तो क्लीमेटिस के अंदर ये चीज़ पाई जाती है, और नारवेलिया के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। तो इनके फलों पर जो परसिस्टेंट जो हेयरी स्टाइल होती है वो हवा के द्वारा बीज को दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करती है। फिर है बैलून शेप्ड अपेंडेजेस, इसी प्रकार से यहाँ भी बैलून आपको दिखाई दे रहा है, ये बैलून है, बैलून शेप्ड अपेंडेजेस। तो ऐसी स्थिति में फाइसेलिस का एग्जांपल हम देख ही रहे हैं, ये डायग्राम फाइसेलिस का है, इसके अंदर ये फाइसेलिस का डायग्राम है। फाइसेलिस के अंदर जो कैलिक्स जो होते हैं वो सारे स्थायी रूप से जुड़कर गुब्बारे जैसी संरचना बनाते हैं, और जिसमें हवा
एकत्रित हो जाती है, इसी तरह से कोलुटेल जो आपका ये है, कोलुटिया, कोलुटिया जो है ई का एग्जाम्पल इसमें दिखा रखा है, कोलुटिया, कोलुटिया के अंदर ओवरी और कार्डियोस्पर्मम, ये कार्डियोस्पर्मम है, ये कार्डियोस्पर्मम के अंदर कैप्सूल फूल कर गुब्बारे जैसी संरचना बना लेते हैं, कोई न कोई स्ट्रक्चर है वो गुब्बारे जैसी बन रही है, यहाँ ओवरी और यहाँ पर भी ओवरी, दोनों ही क्या कर रहे हैं, गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर बना रहते हैं। और इसमें जैसे ही फल और बीज वायु एकत्रित होने से अधिक समय तक हवा में तैरते रहते हैं, तो ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो कार्डियोस्पर्मम का और कोलुटिया का और फाइसलिस का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसी तरह से सेंसर मैकेनिज्म का एग्जाम्पल यहाँ डायग्राम आप देख ही रहे हो, जो कैप्सूल जिन फ्रूट्स में होता है वो जैसे ही परिपक्व होगा उसका डाइसेंस होगा, परंतु इसके बाद भी जो फल होता है वो मदर प्लांट के साथ जुड़ा रहता है। ये देखो डाइसेंस हो रहा है फिर भी मदर प्लांट के साथ ये जुड़ा हुआ है, ये कैप्सूल फ्रूट बोलते हैं इसको, ये कैप्सूल है और इतने धीमी गति से होता है कि बीज बाहर प्रकीर्णित नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में जो डिहाइस्ड फ्रूट के वायु द्वारा हिलाने से कुछ बीज ही बाहर निकल पाते हैं और बीजों के फल से अनेक बार समूह में निकलने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं सेंसर मैकेनिज्म। जैसे हवा स्फुटन तो हो जाएगा लेकिन हवा के द्वारा फिर उसका प्रकीर्णन होगा। तो यहाँ पर फ्रॉम पेपस कैप्सूल ऑफ एंटीराइनम मेजस, ये एंटीराइनम मेजस का है और इसी प्रकार से पेपेवर सोमनीफेरम का है ये, और ये इसकी पोपी जिसको हम बोलते हैं सिंगल इनलार्ज कैप्सूल ऑफ पेपियम, इसके अंदर भी यही सेंसर मैकेनिज्म पाया जाता है। डॉग फ्लोवर जिसको हम बोलते हैं ये डो एंटीराइनम, इसके अंदर भी सेंसर मैकेनिज्म पाया जाता है। इसी प्रकार से हम डिस्पर्सल बाय वाटर यानी सीड्स और फ्रूट का डिस्पर्सल पानी के द्वारा, जब फल और बीजों का जल की सहायता से डिस्पर्सल हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकोरी, जल द्वारा प्रकीर्णन। जनरली हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स या ऐसे प्लांट्स जो जल स्रोतों के पास पाए जाते हैं उनमें होता है, और इनमें जनरली स्पंजी और फाइबरस आउटर कवरिंग के रूप में फ्लोटिंग डिवाइस उत्पन्न हो जाती हैं। इन इन डिवाइसेस के थ्रू वाटर करंट के माध्यम से ये दूर दूर के स्थानों तक चले जाते हैं। जैसे नारियल की हम बात करते हैं तो फल में एंडोकार्प तो कठोर होती है जो एम्ब्रियो को बाहरी चोटों से बचाएगी, एंडोकार्प तो कोकस का लोटस का एग्जाम्पल आप देख ही रहे हो डायग्राम में, ये वाला डायग्राम ये नारियल का है ये लोटस का है तो आप देख रहे हो, तो उसमें इस फल में जो मीजोकार्प होती है वो फाइबरस है एयर से युक्त होती है, फाइबरस होने के कारण से बायोइंट और वाटरप्रूफ होती है। ऐसी इस मैकेनिज्म के फलस्वरूप एक नारियल के फल में फल के लगभग 110 दिनों तक समुद्री जल में तैरते रहने पर भी ये अंकुरित नहीं हो पाता, नहीं तो अंकुरित हो जाए, और अंकुरित हो जाएगा देखो ये तैर रहा है यहाँ पर भी जो तैर रहा है कोकस न्यूसिफेरा लेकिन फिर भी जर्मिनेट नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसका प्रोटेक्शन किससे मिल रहा है इसको, इस मीजोकार्प की एंडोकार्प की वजह से प्रोटेक्शन मिल रहा है। नारियल जो है मुख्य रूप से मलेशिया का प्लांट है और ये समुद्री तटों पर ही इसका प्रकीर्णन होता है। इसी प्रकार से निलंबों की हम बात करें, निलंबो न्यूसीफेरा के अंदर ये इसमें जो थैलेमस होता है वो एयर सैक युक्त होता है इसका थैलेमस, और इसके अंदर जो अर्ध गोलाकार शिखर पर फल लगे हुए हैं, देखो फल लगे हुए हैं, जनक पादप से जैसे ही अलग होगा पुष्पासन सहित जल में तैरता हुआ जाता है और जल की धारा के साथ दूर तक चला जाता है। इसके पश्चात इसमें क्या होगा, इसका थैलेमस जो होगा ये इसका थैलेमस ये धीरे धीरे सड़ जाएगा और सड़ जाने से बीज जल में डूब जाते हैं, कुछ समय बाद ये अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। इसी प्रकार के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एलिस्मा ब्यूटोमैस सेजिटेरिया के फ्रूट्स में भी वायु से भरा हुआ कोर्टिकल टिश्यू पाया जाता है जो उनको जल में तैरने में मदद करता है। अरेका कटेचू जो होता है
नीपा फ्रूटिकेन्स में भी फल व बीजों का प्रकीर्णन जल के माध्यम से ही होता है, तो ये जल के माध्यम से प्रकीर्णन हो रहा है। अब देखो यहाँ का नारियल का जर्मिनेशन हो जाता है। नाउ डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, जल जंतु के द्वारा फल व बीजों के प्रकीर्णन को जूकोरिक कहते हैं। जंतु द्वारा फल प्रकीर्णन दो प्रकार से होता है, एक्सोकोरिक जिसमें फल या बीज इन पर उपस्थित उपांगों के द्वारा जंतु के शरीर पर चिपक कर दूर के स्थानों पर चले जाते हैं। एक तो होता है क्या, एक्सोकोरी जिसमें उनके ऊपर पाई जाती है अपेंडेजी जो जंतु के शरीर पर ही चिपक जाते हैं। दूसरा एंडोकोरी, कुछ बीजों को जंतु पचा नहीं पाते और उनके मल के साथ वो बाहर आ जाते हैं, इससे भी बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। अब जंतुओं में प्रकीर्णन के लिए इन फलों और बीजों में कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं जिनकी अभी हम बात करते हैं। एक होता है अटैचमेंट अपेंडेजेस, कुछ फलों और बीजों की सतह पर नुकीले कर्ड हुक, ये दिख रहे हैं आपको हुक, कर्ड नुकीले हुक लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, और स्टिफ ब्रिसल्स हैं, स्टिफ हेयर्स हैं, स्पाइन्स हैं, ये पाए जाते हैं जो जंतु के शरीर या मनुष्य के वस्त्रों पर चिपक जाते हैं, और जैसे ही चिपकते हैं मनुष्य के साथ दूसरे स्थान पर या पशु के साथ दूसरे स्थान पर चल जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पर जैंथियम, जैंथियम ये, इसी तरह से इसके अंदर है जैंथियम स्ट्रूमेरियम है, मेडिकेगो है, एरिस्टिडा है और मर्टिनिया है। एरिस्टिडा का आप देख ही रहे हो कर्ड हेयर ऑफ एरिस्टिडा, भोराविया को आप देख रहे हो स्टिकी ग्लैंड्स होती हैं छोटे छोटे, आप चिपक जाएंगे आपके कपड़ों से, आपके हाथों से चिपक जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको, ये स्ट्रक्चर्स एरिस्टिडा है, एकायरेंथस है, भोराविया है, प्लिम्बेगो है, इनके अंदर यूरिनिया है, जेंथियम स्ट्रूमेरियम है, इनके अंदर ये स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। ये वाली स्ट्रक्चर जैसे हुक हैं, किसी के ऊपर स्पाइन्स हैं, किसी पर स्टिकी सब्सटेंस चिपका हुआ रहता है जिसके द्वारा ये पशुओं के शरीर के साथ चिपक जाते हैं, स्टिकी ग्लैंड ऑफ भोराविया। यहाँ पर ये डिस्पर्सल ऑफ एनिमल बाय स्पाइन्स इन एकायरेंथस, ठीक है। फिर यहाँ बी से डी तक बाय हुक्ड बार, ये हुक है इनमें, और बी जैंथियम है, सी यूरिनिया है, यूरिना, और डी है मर्टिनिया, और यहाँ पर आप देख रहे हो भोराविया के स्टिकी ग्लैंड्स जो होती हैं, और कर्व्ड हेयर ऑफ एरिस्टिडा, इनके अंदर ये पाया जाता है। इसी प्रकार से हम जो स्टिकी ग्लैंड्स भी होती हैं कई में, जैसे भोराविया की हमने बात की, प्लम्बेगो की बात करते हैं, इसी प्रकार से खरबूज तरबूज अजील मार्मिलोस इत्यादि में भी चिपचिपे होते हैं जो चिपक जाते हैं। फिर कोर्डिया है, गैरेफ जिसको बोलते हैं गुंदी, कोर्डिया ओब्लिका कारेंथस स्परा में फल चिपचिपे होते हैं और वो चिपचिपे फल वो सहपत्र और परिदलों के कारण से चिपचिपा होता है, चिपक जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ अट्रैक्टिव फ्रूट्स होते हैं जैसे सोलेनम नाइग्रम है, सिट्रुलस वल्गेरी, सिट्रुलस कोलोसिंथेसिस, आकर्षण और मांसल में भेड़ बकरियां इनको दूर दूर के स्थानों पर ले जाती हैं। फिर एडिबल फ्रूट्स होते हैं, उनको खाते हैं, खाने के पश्चात उनके सीड्स जो होते हैं वो मल के साथ बाहर आ जाते हैं और उनका प्रकीर्णन हो जाता है। इसी प्रकार से पक्षियों के समान चमगादड़ों को भी, चमगादड़ भी फलों की सुगंध से उनकी ओर आकर्षित होते हैं, और ऐसे चमगादड़ों द्वारा प्रकीर्णन फलों का क्या कहलाता है, ऑर्निथोकोरस, ऑर्निथोकोरस कहलाता है। एनाकार्डियसी मेलियसी इत्यादि के अंदर ये होता है। आर्ट्स के द्वारा सीड्स का जो प्रकीर्णन है, मैरिकोमोकोरी बोलते हैं जिसमें एनीमोन है, एनीमोन के अंदर परिपक्व फलों पर जो स्टाइल है वो एक तेलीय पदार्थ बनाती है और उसके साथ वो चींटियों के साथ चिपक जाता है और चींटियां समूह में उसको दूर दूर तक ले जाती हैं और सेवन करके बीजों को छोड़ देती हैं। इसी प्रकार से है नेक्स्ट डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म, फलों और बीजों का यांत्रिक मैकेनिकल फोर्स द्वारा प्रकीर्णन जो होगा ऑटोकोरी कहलाता है। कुछ प्लांट्स में फल अचानक झटके के साथ डिहाइस होंगे, इसके फलस्वरूप
बीज जो है वो मदर प्लांट से बहुत दूर तक छिटक जाते हैं बाह्य मैकेनिकल प्रेशर के कारण से, जैसे जंतु है, वायु, जल की बूंदों का, ह्यूमिडिटी संबंधी परिवर्तन से फल अकस्मात टूट जाते हैं और इन फलों की परिपक्व फल भित्ति क्या होती है, शुष्क होती है और तन जाती है। ये आप देख ही रहे हो इसके अंदर, ये डिस्पर्सल रुएलिया के अंदर देख रहे हो आप, ये जैकुलेटर है, ये उसके बाद सीड्स हैं जैकुलेटर, जैसे इसमें आगे की तरफ बढ़ेगा तो सीड्स क्या हो जाएंगे, एक्सप्लोज हो जाएंगे। इसी प्रकार से एम्पेशियंस रोयली रुएलिया ट्यूबरोसम, इनके अंदर ये चीज पाई जाती है। तो इसमें एपिसोडल फल स्पाइन से घिरा रहता है, इस फल में एक कर्व्ड पीटियोल होता है और स्टोपर की तरह से फिट रहता है, ये फिट है ना। अब उसके बाद जैसे परिपक्व होगा बीज के चारों ओर जो टिश्यू है वो मिशलेस फ्लूड का परिवर्तित हो जाएगा, जिससे एक टर्गर प्रेशर क्रिएट होगा। अब व्रंत के निकट फल उत्तक के विलगित होने से व्रंत अलग होता है, जिस स्थान पर छिद्र बन जाता है और उस जैसे छिद्र बनेगा स्पीत होने से लिप्त पदार्थ बीज सहित फुवारे के रूप में बाहर आ जाता है, जिसको जैकुलेटर मैकेनिज्म भी कहते हैं। जैसे फुहारे के रूप में बाहर निकल जाएगा, इसमें जैसे पूरा का पूरा बाहर ही निकल जाएगा, इस तरह से हो जाता है। इसी प्रकार इम्पेशियंस रॉयली के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है और एकेंथेसी फैमिली के कुछ प्लांट्स में भी जो एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म यानी एक्सप्लोसिव फ्रूट्स पाए जाते हैं। ये जैसे ही फ्रूट नम और शुष्क दशाओं में अग्रभाग से आधारी भाग तक कट जाते हैं और झटके से बाहर फेंक देते हैं। इसमें से बहुत से पौधे जैसे रुएलिया है उसमें जैकुलेटर या दो मुड़े हुए अंकुश पाए जाते हैं ये, और जो सीधे होकर बीजों के जैसे सीधा हो जाएगा, ये जैसे सीधे होंगे मान लो सीधे होते ही बीजों के वितरण में सहायक होते हैं। शुष्क फल वर्षा के झोंकों के साथ ही पानी के संपर्क में आने से एकाक दो कपाटों में टूट जाते हैं और बीज सभी दिशाओं में बिखर जाते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि डिस्पर्सल, इसी प्रकार से हमने डिस्पर्सल से यहाँ पर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जीरेनियम पलुस्ट्रे इम्पेशियंस पालसेमिया और पी पाइसम सेटाइवम के अंदर। तो यहाँ जीरेनियम के अंदर ये चीज़ आप देख रहे हो, जीरेनियम प्लांट के अंदर, इम्पेशियंस बालसेमिया के अंदर, इम्पेशियंस बालसेमिया का हम एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं, तो जिसमें फाइव कार्पल्स होते हैं, इसमें ये दिख रहे हैं फाइव कार्पल्स होते हैं और ये कार्पल लंबाई में जुड़े हुए दिख रहे हैं, लंबे हैं और जैसे ही क्या होगा जो फ्रूट वाल जो है वो थ्री लेयर्ड होती है, जिसमें से जो इसकी मिडल लेयर है वो रेडियली इलोंगेटेड होती है और टर्जिड कोशिकाओं की बनी होती है, इसमें एक्सपेंशन टिश्यू जोन बन जाता है। ये रेडियली इलोंगेटेड जैसे ही होगी इसमें क्या होगा, इसमें स्फीति बनेगी तो ये एक्सपेंशन टिश्यू जोन कहते हैं। और फल के परिपक्व होने से इस क्षेत्र की कोशिकाओं में अत्यधिक टेंशन पैदा होगा और टेंशन जैसे ही पैदा होगा तो हल्का सा सीधा या धीमा झटका लगने से फल के साथ जो कार्पल हैं वो भी फ्री हो जाते हैं और अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे, ऐसे मुड़ जाएंगे अंदर की तरफ और ये मुड़े हुए कार्पल बलपूर्वक बीजों को बाहर की तरफ फेंक देते हैं। इस तरह से इनमें दिखाई देता है। इसी प्रकार से मटर में आप देख सकते हो, मटर में डिहाइसेंस किस तरह से हो रहा लंबा, इस प्रकार से इसमें डिहाइसेंस हो जाता है। डिस्पर्सल एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म इन इक्बेलियम लिटेरिया के अंदर, इक्बेलियम लिटेरिया के अंदर भी ये चीज़ आप देख सकते हो, जिसमें इक्बेलियम में क्या है, एलिप्सोइडल फ्रूट होता है, ये ना स्पाइंस के द्वारा घिरा हुआ रहता है, इसमें कांटे होते हैं और इस फल में कर्ड व्रंत पाया जाता है, कर्ड व्रंत आप देख ही रहे हो, और इसके द्वारा जो मदर प्लांट से लगा रहता है और पीटियोल का जो टिप पर फल में स्टोपर की तरह से लगा रहता है, ये स्टोपर की तरह से लगा रहेगा, यानी जो व्रंत है व्रंत का शीर्ष फल के स्टोपर की तरह से लगा रहता है। फल के परिपक्व होने पर इसके अंदर के बीज के चारों ओर उत्तक म्यूसिलेज फ्लूड में परिवर्तित हो जाएगा और इस पदार्थ के कारण से टर्गर प्रेशर पैदा होगा और व्रंत के निकट से फल
कि उत्तक से अलग होने से व्रंत अलग हो जाता है और उसके स्थान पर, जैसे यहाँ से टूटा है तो ये व्रंत तो इससे अलग हो और उसके स्थान पर क्या बन गया, छेद बन गया, और उस छेद से क्या फवारे के रूप में लिसलिसा पदार्थ बीज सहित बाहर आता है। ये देखो ये दूर दूर तक छिटक जाते हैं, बीज सहित बाहर आता है, इस प्रकार से डिस्पर्सल हो जाता है दूर दूर तक। तो जिरेनियम में, इम्पेशियंस में, अब्रस प्रिटोरियस में, अब्रस प्रिटोरियस जिसको हम चिरमी बोलते हैं, चिरमी के अंदर भी ये प्रक्रिया होती है, इकबेलियम के अंदर, रूएला के अंदर, इन सब में ये मैकेनिज्म पाया जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, आज हमने फ्रूट और सीड के डिस्पर्सल के विभिन्न मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा। थैंक्स।